जी फाइव ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। कनेक हमको भी समझा दो, ये दो चार महीने की शादी वाला कॉन्ट्रैक्ट कहाँ बनता है? हमारा यही विचार है कि चांदनी तुम्हारे काबिल नहीं है और ना ही वो इस परिवार की। कसम खाओ, आज के बाद चांदनी का मुंह नहीं देखोगे। अर्जुन, तुमने से नहीं है, तुम बात बात पे लड़ाई झगड़ा करने बैठे। मानी भी यही कहा और अपने सर पर हाथ रखवा कर ये कसम खिलवा दी कि आज के बाद भैया आपकी शक्ल भी नहीं देखेंगे। भाभी, कल सुबह 8:30 बजे आप हमें शिव जी के मंदिर में मिलिए। रुको बेटा, माँ एक मिनट, हमारे माँ क्या हुआ? बेटा पापा का फोन आया। अच्छा, पापा कह रहे थे आज वो दुकान का कुछ सामान आने वाला था और रुपए हमने अलमारी में रख दिए और चाबी हमारे पास है, तो बेटा हमें तो जाना होगा, लेकिन तुम पूजा करके आना। अब थाली पंडित जी के पास है प्रसाद लेकर। हाँ, पर वो लड़की कहाँ गई? उस बिटिया को हमें धन्यवाद देना था। माँ माँ, हमने उन्हें थैंक यू बोल दिया था। चलिए, हम आपको ऑटो तक छोड़ देते। चल, कसम खाओ, आज के बाद चांदनी का मुंह नहीं देखोगे। इश्क की ही कुछ साजिश है क्या पता, दिल लगया क्यों ये तुझसे नहीं लगया, मैं जानू ये इश्क है आधा या है पूरा, तू ही बता सजना। भाभी, गुड़िया, चांदनी को तुमने बुलाया था यहाँ? भैया, I'm really sorry। गुड़िया, ये क्या किया तुमने? भैया, हम जानते हैं आप यहीं हैं। गुड़िया, ये तुम क्या कर रही हो? तुम जानती हो ना ये गलत है, तुमने कसम। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा, उसने माँ की कसम खाई थी। पर आप दोनों बताइए, क्या आप एक दूसरे से मिलना नहीं चाहते थे? हाँ, पर ऐसे नहीं। भाभी, भैया, I'm sorry, पर आप दोनों खुद सोच के देखिए। भैया, आपने कसम ये खाई थी कि आप भाभी की शक्ल नहीं देखेंगे, पर बात ना करने जैसी कोई कसम नहीं खाई थी। बुढ़िया, कसम कसम होती है, हम ऐसे शॉर्टकट ढूंढेंगे तो कसम के क्या मायने? हमें पूरा विश्वास है ये दूरियां बस कुछ दिनों की है, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ रेवा, जल्दी सब ठीक हो जाएगा, हमें भी पूरा विश्वास है। गुड़िया, अर्जुन ने माँ की कसम खाई थी तो आज शिवजी के मंदिर में उन्हीं को साक्षी रखकर हम भी माँ से एक वादा करते हैं कि जब तक माँ हाँ नहीं कहेंगे, हम ना तो अर्जुन का चेहरा देखेंगे और ना ही उससे कोई बात करेंगे। भाभी,
कि अब हम माँ की हर बात मानेंगे, कोई गलती या कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे। शायद हो सकता है कि तब उन्हें हम पर विश्वास हो और वो हमें स्वीकार कर ले। हाँ रेवा, ये ठीक कह रही है। और इसे भी कह दो, हम भी इसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अपने दिल में हर पल हर वक्त इसे याद करते रहेंगे, हर सांस के साथ इसे याद करते रहेंगे। I'm sorry, पर हमें तो लगा था कि हम आप दोनों को मिलवाकर कुछ अच्छा कर रहे हैं। किसी भी चीज को अगर सही तरीके से किया जाए ना, तो वो अंत में सही ही होता है। मन्नत के मुताबिक ये घंटी हमें और अर्जुन को साथ में बांधनी है। जिस दिन भैया की मन्नत पूरी होगी ना, उस दिन आप दोनों आकर अपनी मन्नत पूरी कर लेना। घर के लिए निकली हैं। अब हम आते हैं। हेलो। हाँ माँ। अर्जुन, रेवा तुम्हारे साथ है ना? नहीं तो, वो तो मंदिर से सीधा घर के लिए निकली ना। क्यों, वो अब तक पहुंची नहीं क्या? अरे नहीं, हमें फिक्र हो रही है, फोन भी नहीं लग रहा है उसका। यार माँ का फोन था, घर में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। बॉस अगर हमारे बारे में कुछ पूछे ना, तो उन्हें कह देना अर्जुन थोड़ी देर में आएंगे, आप फोन कर देंगे, चलेगा ना? हाँ में, क्या हुआ यहाँ पर, कुछ हुआ था क्या? यहाँ बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। हाँ तो अभी उनको हॉस्पिटल लेके गए। हाँ होगी गुड़िया। अब अपना ख्याल रखिए छोटे साहब। वैसे साहब जी को हमने खबर कर दी है। अरे इतनी छोटी सी बात के लिए क्यों उनको परेशान किया आपने? अच्छा ये बताइए, ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? वो एक्चुअली जी, वो हम रास्ता पार कर रहे थे और हमारा ध्यान नहीं था। तो आपके बॉडीगार्ड कहाँ थे? आज हमने उन्हें छुट्टी दी थी। खैर जब ऊपर वाला किसी को बचाना चाहता है तो किसी ना किसी को भेज ही देता है उसके पास। अरे रेवा जी, आपके हाथ में तो चोट लगी। डॉक्टर साहब आप
चेक कीजिए एक बार। नर्स, आप इनकी ड्रेसिंग कर दीजिए। एक्सक्यूज मी। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।